वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। नया चैनल है। रशिया में हम लोग स्टडी के लिए आए हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस घुमाएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या अच्छा मिलता है। तो गाइज, आज हमारा एक दोस्त नहीं है कृष्णा, आज हमारे साथ हमारे खास मित्र आतिफ मौजूद है, पर कृष्णा आज आई नहीं है। कृष्णा होते हैं ना तो उसकी पता क्या होता है, जब उसको रशियन अच्छे से आई नहीं है ना, तो आसपास कोई भी अगर रशियन गायक या कोई भी लोग आसपास सुन रहे हैं ना, तो उनका सुन के मतलब उनकी कॉपी बहुत तगड़ी मारता है उसमें, मतलब इतना अमेरिकन भी आता है ना उसका। लाइक एक दिन है ना, दो तीन लोग खड़े हो गए आपस में बस की बातें कर रहे थे, तो कृष्णा कहता अब तो बूस मतलब वो लोग भी हंसने लग गए, हम भी हंसने लग गए, मतलब इतने कॉमेडी वाला बंदा है ना वो आज आ नहीं पाया, उसके थोड़ा हेडेक था, तो हम उसको फिर लेके भी नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, आज हम चलते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो गाइज, वी आर आउटसाइड ऑफ आवर हॉस्टल नाउ, तो चलो आज ट्रेन ऑफ ऑन ट्रिप पे आ गए। सब राज्य खुश है? हाँ, तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तोर। This like chilling man, हवा इतनी तेज चल रही है ना कि सांस भी फूल रहे हैं यार, चलते चलते ऑक्सीजन लेवल कम है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। पर हम लोग निकले हैं घूमने, चलिए आज स्प्लेंडेड लेक जगह है, वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से बहुत ही एक अच्छा ब्यूटीफुल व्यू देख के फिर वापस आते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, ये आपके यहाँ पे रशिया की एक बात ज़रूर माननी पड़ेगी कि यहाँ के लोगों को है ना मतलब क्लीनलीनेस का काफ़ी शौक है। जैसे इंडिया में बच्चों को सिखाया जाता है ना कि मतलब अपने घर पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, यहाँ के लोग जो हैं अपने बच्चों को बचपन से यही सिखाते हैं कि आपको रशिया की साफ़ सफाई रखनी है, आपको अपनी कंट्री साफ़ सुथरी रखनी है। यहाँ के लोग ये नहीं कहते आपको अपना घर साफ़ सुथरा। अब जैसे मैं पीछे पार्क में से भी आ रहा था, तो वहाँ पे किसी का मतलब पुराना मास्क वास्क पड़ा हुआ था, तो वो कोई साफ़ सफाई वाले लोग या कोई वैसे नहीं थे, फिर भी लोगों ने वहाँ पे जो रैंडम एक अंकल जा रहे थे उन्होंने मास्क उठा के पूरा डस्टबिन में फेंका। तो ये चीज़ें काफ़ी सीखने वाली हैं, यही मतलब यहाँ का राज भी है कि ये जगह इतनी सुंदर है, यहाँ के यहाँ पे मतलब टूरिस्ट ज़्यादा विज़िट करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पर मतलब चीज़ें उस तरह की हैं। सो वी नीड टू लर्न दैट। उनसे थोड़ी बात बात की, अभी चलते हैं जहाँ पे हमें जाना था, अपनी मेन मंजिल, जहाँ की आज के ब्लॉग का हमारा मोटिव था जाने का, वहाँ पे चलते हैं, एक अच्छा सा व्यू देखेंगे, फिर लाइट वाइट थोड़ी बहुत कवर करके और फिर अपने हॉस्टल की तरफ वापस चलेंगे। तो चलिए चलते हैं स्प्लेंडेड की तरफ। आ चुके हैं यहाँ साइड में, आप देख सकते हैं।
उस साइड में कि पंचिंग मशीन है जो अभी हम वहाँ करके आए हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं, छोटा बहुत मार्केट भी है कुछ अगर से काम को दे रहा है मतलब। चलिए देखते हैं घूमते हैं। सिटी पार्क थोड़ा बहुत तो कवर हो चुका है, काफ़ी बड़ा है, बाकी ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सिटी पार्क दिखाने के लिए। यहाँ पर ही चलिए अब आए हैं तो उसके बाद फिर सिटी पार्क आदि भी है काफ़ी बड़ा है। पार्क साइड में यहाँ पे डमीज़ वगैरह है काफ़ी बच्चों के लिए जो गन से शूट करते हैं मतलब, या साथ में रोलर कोस्टर बनी हुई है बच्चों के लिए मतलब। जैसे इंडिया में जो मेला करते हैं ना यहाँ पे परमानेंट मेला, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं पूरे साल में, कभी भी आके एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी प्लेस हैं यहाँ पे जो मतलब काफ़ी बड़ा है यार, एक बार एक बार में हम उसको कवर कर नहीं पाएंगे। अगली अगर आप लोग इस व्लॉग को इतना प्यार देंगे तो अगले वीडियो में वादा करते हैं कि पूरा सेंट्रल पार्क कवर करेंगे। तो चलिए अब सुन सकते हैं हवा के साउंड को जितने तेज़ हवा चल रही है। और यहाँ मेरे सामने काफ़ी पुराना म्यूजियम है, दिस म्यूजियम आई लव एवरीथिंग fire spreading all around my room, my world's so bright it's hard to breathe but that's all right. Hush. अच्छा वंडरफुल प्लेस गाइस। चलिए अब अपने बिल्कुल एज पे चलेंगे जहाँ पे हमें जाना है, क्योंकि यहाँ का एक बहुत फेमस जरा इसके ऊपर हो सकता है।
किया जाता है, इस प्लेस को भी यहाँ पे इसी के नाम पे किया गया है। यहाँ से नीचे ये मतलब एक तरह से लगा लो कि माउंटेन पे से की बसी हुई है। और क्या कहते हैं अच्छे पूरी सिटी देख के आए हैं। यहाँ से पहले हम यहीं से नीचे से देख लेते हैं, फिर देखते हैं ऊपर जाएंगे, ऊपर से भी देख के आएंगे। यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं सामने कितना वंडरफुल सीन है। गाइस दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मींस नीचे लाइट्स चस रही हैं और यहाँ से मतलब इतना कूल व्यू दिख रहा है ना गाइस। ऊपर स्काई इज सच अ गुड एंड द लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग। मतलब अगर किसी का माइंड फ्रस्ट्रेट वगैरह हो रहा हो, टेंशन वेंशन नहीं है, या फिर वैसे भी किसी को अगर घूमने आना होना तो बहुत तगड़ी का प्लेस है गाइस, बहुत तगड़ी। आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। पर यार ठंड कुल्फी जमा दी ठंड ने मेरी, यहाँ पे रशियंस घूम रहे हैं। अगर ये इस व्यूज इस वीडियो में गाइस इस व्लॉग में अगर आप लोग हमारे व्यूज़ अच्छे खासे ला देंगे तो हम गारंटी देते हैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का किसी न किसी रशियन को इन्वॉल्व करेंगे हमारे व्लॉग में, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उनसे बड़े मजे करेंगे। तो देखते हैं, पर आप लोगों का सबसे पहला एम यही है कि हमारी वीडियो को अपनी सक्सेसफुल बनाए, क्योंकि इस वीडियो पर हम काफ़ी मेहनत की है। ठंड में भी हम बाहर आए हैं, घूमने फिरने व्लॉग शूट किया है, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं यार, लोग देख के कम से कम एक लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं ना। तो चलिए अब बिल्कुल एज पे चलेंगे, एज से व्यू दिखाते हैं आपको। सारी चीज ठीक है, यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम वगैरह के नाम लिख रखे। नहीं, हम पेड प्रमोशन नहीं करेंगे, हम किसी का इंस्टाग्राम का नाम नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ अपने ब्लॉग शूट करेंगे ताकि आप लोग वंडरफुल प्लेस को दिखा सके। रशियन से आए हैं काफ़ी साइड में, वो भी शूट वूट कर रहे हैं। सच अ गुड प्लेस मैन, सच अ गुड प्लेस। डाउन साइड स्ट्रीट इज़ देयर, बट स्ट्रीट के नीचे जो है ये पूरा एक तरह से जैसे माउंटेन के ऊपर सिटी बसी हुई है उस तरह से। दूर दूर तक लाइट्स दिख रही हैं आपको, बहुत ही वंडरफुल सीन दिख रहा है यहाँ पे। द ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे थोड़ा कम है, पर क्या कहते हैं मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही है ना यहाँ पे आके, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है कि गाइस बता नहीं सकता। यू शुड विजिट दिस प्लेस। हाँ, मुझसे पूछेंगे तो मेरे को ये प्लेस अभी तक तो काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी शूट करेंगे, पर अभी जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा हो रहा है, ठंड पड़ रही है, बारिश का मौसम हो रहा है, कुछ नहीं पता बारिश कब आ जाए, इसलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। वहाँ पे लाइटिंग्स अच्छी मिलेंगी आपको, उस प्लेस पे लाइटिंग्स अच्छी मिलेगी। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, bad shit by my shoulder.